आपको सीधा लिए चलते हैं पुलिस एकेडमी, जहां सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी है कि आपने उसको बेखूबी लागू किया है, आज थाना पंजीकरण हो रहा है और मैं समझता हूँ कि एनसीआरबी के भी जो आंकड़े आ रहे हैं 2020 के अंदर, मैं समझता हूँ कि उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। कार्यशैली को और अधिक मजबूत करने के लिए थानों में जैसे FIR हो रही है, पश्चात में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए तो देखो ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमने कहा कि थाने में FIR दर्ज नहीं होगी तो SP का ऑफिस में होगी। मैं समझता हूँ कि कोई 15-20 केस मुश्किल से आए होंगे। आज जो सरकार की मंशा थी उसी के अनुरूप आप लोगों ने उसको निभाया है और थानों में FIR दर्ज होना अनिवार्य हो गया है। जनता और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाने के लिए हमारी पुलिस ने सहभागिता के लिए कई प्रयास किए। राज्य में कुल 96,428 व्यक्ति सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो कम्युनिटी लेजन ग्रुप बनाए गए हैं, पुलिस मित्र बनाए गए हैं 36,252, 34,048 ग्राम रक्षक बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका भी एक समाज में अच्छा संदेश गया है तो पुलिस और आम जन के बीच में जो समन्वय सम्मान की भावना हो एक दूसरे के प्रति, वो आगे बढ़ी है। इस बात की मुझे खुशी है। मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए जिससे कि चुनौती के वक्त में आम जनता का सहयोग भी हमें मिल सके और हम लोग शांति सद्भावना प्रेम भाईचारा काम करने में कामयाब हो सके। राज्य सरकार ने सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे योगदान को समय समय पर सम्मानित भी किया है। पुलिस की दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से हमने कई कदम उठाए हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए बजट में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को इस बजट में मैंने घोषणा कर दी है 10,000 से बढ़ा करके 30,000 किए जाएंगे। साथ ही बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसे अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना बनाई जा रही है। देश और प्रदेश में वर्तमान में बढ़ते हुए साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आए हैं। ये आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती भी है, समस्या भी। इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए हमने बजट के अंदर 22-23 के बजट में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। साइबर अपराध की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के गृह विभाग द्वारा 5 नवंबर 2019 को थाने में पदस्थापित कॉन्स्टेबल को 2 वर्ष की जेल से दंडनीय अपराधिक जांच के लिए अधिकृत किया गया है। तफ्तीश अब हमारे पदस्थापित जो कॉन्स्टेबल से सीनियरिटी के आधार पर 2 वर्ष तक की सजा वाले जितने अपराध हैं उनकी भी वो तफ्तीश कर पाएंगे। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना जिसकी आज पूरे देश में बहुत सराहना हो रही है और बिना मांगे हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री निवास पर भी हजारों लोग इस काम के लिए आते हैं कि जो OPS लागू की ओल्ड एज पेंशन, उसमें किसी को विश्वास नहीं था, ना कोई मांग कर रहा था। पर मैं आपको कहना चाहूँगा पूरी तरह सोच समझ करके, चिंतन करके, मनन करके, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह फैसला किया गया है।
मुझे खुशी है कि ये फैसला आज लागू हो गया है। हमने खाली फैसले नहीं किया, इसको लागू भी कर दिया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए, सब राज्यों को आगे आना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया को या देश के लोगों को मालूम नहीं है, कर्मचारियों ने समझ लिया कि ये तो होने वाला नहीं है, इसलिए मांग भी ज़्यादा उठी नहीं। पर मैंने जब पूरी स्टडी की मालूम पड़ा, ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है इसका आज तक भी, 17 साल के बाद में भी, 17 साल पहले लागू हुआ ये, आज तक भी ह्यूमन राइट कमीशन इसको विरोध कर रहा है, नहीं होना चाहिए। शेजी जो है वो लिखित में रिपोर्ट दे रही है कि 15 साल के बाद में ना नियम बने ना कायदे बने ना इसका असेसमेंट होगा, कई तरह की ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने CNAG ने केंद्र, 4-5 राज्यों ने कमेटी बना दी है इसको रिव्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी जो है उसके जो सेकंड पे कमीशन है वो कह रहा हम जुडिशरी में लागू नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब लागू किया गया तो खाली आर्मी एयरफोर्स नेवी में लागू किया गया, उनको छोड़ा गया ओल्ड एज पेंशन के लिए, आर्मी नेवी और एयरफोर्स को मेरी समझ के परे है, पता नहीं क्यों ऐसा किया, चाहे BSF हो, चाहे वो इंडो तिब्बतन पुलिस हो, चाहे वो अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस हो, सबको नई पेंशन योजना में ले लिया गया। ये जो अलग अलग फैसला हुआ मैं समझता हूँ वो भी उचित नहीं है, क्योंकि BSF भी कोई कम काम नहीं करती है, 365 दिन सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग वो भी होते हैं, इंडो तिब्बतन पुलिस का अलग काम है, हर मैं समझता हूँ कि विंग का बहुत महत्वपूर्ण काम है देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो आप खाली 3 सेनाओं के लिए छोड़ा आपने, बाकी के लिए लागू कर दिया। और सेकंड पे कमीशन जो वो जुडिशरी का है वो कहता तो हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, इस स्थिति में ये इश्यू बना हुआ था। राजस्थान सरकार ने पहल करी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने पहल करके इसको लागू किया देश के अंदर पहली बार। ये बहुत ही बड़ा फैसला है, इसमें इतना वेलकम हो रहा है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मिलने आते हैं उनके, क्योंकि 35 साल तक 38 साल तक सेवा होती है, उस पर वो व्यक्ति हमेशा जो नई पेंशन है उसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, कट के वो शेयर मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, पता नहीं 35 साल के बाद में शेयर मार्केट घिरेगा ऊपर उठेगा किसी को पता नहीं, उसके आधार पर पेंशन तय होगी। इतनी इनसिक्योरिटी कौन सहन कर सकता है 35 साल तक। एक तरफ हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं हम लोग, सुशासन देना चाहते हैं, सुशासन भागीदारी होती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की होती है, और वो टेंशन में काम करे पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ओल्ड एज पेंशन के अंदर सिक्योरिटी है, आपको मालूम है कितनी पेंशन मिलेगी और डीए के साथ में बढ़ती जाएगी, तो रात दिन का फर्क था, उस फर्क को हमने समाप्त कर दिया राजस्थान के अंदर। इस बात की राजस्थान वासियों की बहुत प्रसन्नता है, कर्मचारियों की प्रसन्नता है, राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रही है, कठिन समय में भी राजस्थान पुलिस अपनी सेवा के बल पर जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है, राज्य में लोगों के जान माल नागरिकों के सामान की सुरक्षा करना राज्य सरकार के संवेदनशील पारदर्शी और जवाबदेह संकल्प के अनुरूप पुलिस प्रशासन प्रदान करना आपका लक्ष्य रहना चाहिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है चाहे वो सरकारी कर्मचारी है किसी भी विभाग का, पहला कर्तव्य हमारा है कि हम कानून की राज को स्थापित रखें, संविधान का सम्मान करें,
किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो, चाहे किसी की सिफारिश आए, कम से कम पीड़ित पक्ष के साथ में न्याय करने की पहली जिम्मेदारी हम सबकी बनती, मेरा ये मानना है। और पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास बना रहे, इकबाल बुलंद रहे, ये मेरा मानना है। पुलिस की दवा में काम नहीं करे, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की सिफारिश पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये आप सुनिश्चित करें। राज्य में पेशेवर व आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी, कठोर कानूनी कार्रवाई, आम जनता विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कभी कोताही नहीं बरते। थानों में जन केंद्रित सुविधाओं का विकास, पुलिस कर्मियों का कल्याण, उनकी तकनीकी कार्य क्षमता बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रही है। इस दिशा में तेजी से हम काम करना चाहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि एक पुलिसकर्मी कितना भी बड़ा अधिकारी कौन बन जाए, वह जनता का सेवक रहता है। राजस्थान पुलिस जन सेवा के ध्येय के साथ राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हमेशा की तरह तन मन धन से समर्पित रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में हमारी नई चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा। जो माहौल देश में बन चुका है वो तनाव का है, हिंसा का है, अविश्वास का है, ये चिंता का विषय है। देश के सामने चुनौती भी है, इसीलिए आप देखते हैं कि धार्मिक उत्सवों पर कई बार तनाव होता है, कई बार दंगे भड़क जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। मुझे खुशी है कि राजस्थान पुलिस ने अभी रामनवमी पे भी जो माहौल बनाया, डीजी साहब ने, ईसी होम ने, सीएस ने, सब ने जो मैसेज दिया राजस्थान पुलिस को, उसका परिणाम आपके सामने है। राजस्थान करौली के बाद में जिस प्रकार से उत्सव मनाए गए, सब धर्मों के लोगों ने मिलकर के फूल बरसाए, एक अलग नज़ारा था, एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से धार्मिक उत्सव शांति व सद्भाव कायम रहा। हम चाहेंगे कि ऐसा ही माहौल हमेशा के लिए बना रहे, वो आपकी मदद से ही संभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे विश्वास है कि आप पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। वैसे हमने बहुत फैसले किए हैं, आप सबको वैसे तो जानकारी है, पर मैं कुछ फैसलों के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि सरकार के ध्यान में रहे हैं। और जो डीजी साहब कह रहे थे अभी, जो इन्होंने मांग करी उससे अधिक दिया गया है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा तकलीफ में रहते ही हैं, तो इसलिए कटौती करने की भावना रहती है। पर ये पहली सरकार है जो मांगता है उसे ज़्यादा मिल रहा है उसको, चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारे डीजी साहब कह रहे थे जो इन्होंने मांग की थी उनसे ज़्यादा फैसले हमने इनके पक्ष में किए हैं। जिसमें देखिए, पुरानी पेंशन की बात मैंने अभी करी, अब बुढ़ापे की चिंता समाप्त हो गई है। कोविड ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को एक मुश्त 50 लाख रुपये देने की सहायता का मैंने घोषणा करी थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेडिकल में काम करने वालों को 50 लाख मिलेंगे, तो राजस्थान राज्य वो था जिसने पूरे देश के अंदर पहला राज्य था जिसने कहा हमारे हर कर्मचारी को, चाहे वो टेम्परेरी भी है राजस्थान के अंदर, ठेके भी है, कोविड का काम करते हुए पत्रकार भी है, उसको 50 लाख मिलेंगे। ये फैसला हमने पहली बार किया। अच्छा काम करने वाले नई कई पुलिसकर्मियों से मैंने बात की है, कई प्रमोशन को मिला है, प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को समाप्त किया है। क्योंकि मेरा मानना है शुरू से ही, किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति चाहता मुझे प्रमोशन टाइम पे मिले। और प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है, जिस टाइम पे प्रमोशन मिलता नहीं है
तो उस प्रमोशन में आने वाली परेशानियों को हमने समाप्त कर दिया है, और कोई बचकर बच जाएगी तभी उनको समाप्त करेंगे, पचाएंगे। हर कर्मचारी का प्रमोशन समय पर हो। हजारों की संख्या में कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल एवं हेड कॉन्स्टेबल से एआईसी में पदोन्नति हुई है, और अभी जो हमने नई घोषणा करी है उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे प्रमोशन से। इस बजट में 2000 एएसआई पद बढ़ाए गए, अभी डीजी साहब ने आपको कहा, 1000 महिला एएसआई के पद बढ़ाए गए, और सबसे बड़ी बात है 473 जो सब इंस्पेक्टर लेवल के थाने थे उन सबको एक साथ में 6 लेवल के थानों में क्रमबद्ध कर दिया गया है। इससे प्रमोशन के चांस और बढ़ जाएंगे। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का मैंने कहा आपको गठन कर दिया गया या किया जाएगा, किया जा रहा है। सैकड़ों नवीन पुलिस चौकी थाने सर्किल एडिशनल एसपी डिवाई एसपी के कार्यालय और कार्य क्षेत्र का समान वितरण हो रहा है। एसओजी में भी एंटी चीटिंग भी और डक को लेकर भी अलग से शहर बनाया जा रहा है, और डीपीसी भी साल में 2 बार होगी, और डिपार्टमेंट लेवल पे होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस घोषणा से काफ़ी टाइम पे प्रमोशन मिलने लग जाएंगे। डी साहब ने मांग करी है कि खेल बजट जो आपका है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि भाई जब जब मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद से अवसर मिला है राजस्थान के प्रथम सेवा के रूप में काम करने का, जो मांगा पुलिस विभाग ने वो हमने देने का हमेशा प्रयास किया। तो डी साहब बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे, और उसी कड़ी में इन्होंने मुझे एक स्लिप पकड़ा दी है कि खेल बजट में 50,02,00,000 रुपये पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि खेल बजट को 50,02,00,000 कर दिया जाएगा। एक और मांग करिए उत्सव फंड, पुलिस दिवस अन्य उत्सवों के आयोजन हेतु दिए जाने वाले 25,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए किया जाने की मांग है, जिससे उत्सव आराम से मना सके। इस घोषणा को मैं पूरी करने का ऐलान करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप तमाम साथियों को, क्योंकि इससे बड़ा दिवस क्या होगा आपके लिए, 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ 49 में, और 15 दिन के बाद में 16 अप्रैल 49 को राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई, तो पुलिस स्थापना दिवस से बड़ा अवसर क्या होगा खुशी का, मुबारक का। उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से, आप यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं अतिथि हैं, उन सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पूरे पुलिस परिवार को बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सीएम साहब। और अब देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। अनुरोध डीजीपी सर से कि आप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान करें। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की यादों का एक छोटा सा स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद डीजीपी सर, और अब बारी है आप सबका शुक्रिया अदा करने।